कंघी तो करनी अरे है। हटो ना, साइड से कर लो ना, कभी तो उंगलियों का इस्तेमाल किया करो। आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो, मेरे मम्मी पापा रेडी हो रहे हैं। क्या भाई लोग, कसा का है, भरा है ना? ये अपुन के हीरो जीत की फैमिली है, ये उसके लिए शीला को देखने के लिए आए। चलिए देखते हैं कि शीला और जीत मिलकर कुछ धमाके कर पाते हैं या नहीं। तुम तो शीला के एक्स बॉयफ्रेंड हो ना? तुम तो नेहा के, रश्मि, हेमा, तुम प्रिया के एक्स बॉयफ्रेंड हो ना? यही है अपना हीरो जीत। अरे एक नंबर का चालू माल है ये, पर अभी तक इसकी शादी की पिपीर ही नहीं बच पाई। मेरी जमाई को नहीं लाए? बात यह है, उसे हर लड़की में कमी नजर आती है। अब तक 36 लड़कियां रिजेक्ट कर चुका है, इसलिए अब हम लड़की पसंद करेंगे। आपके लड़के जीत में शीला को खुश रखने वाले कीटाणु हैं? ये अपने हीरोइन शीला के पप्पा हैं। खुद तो पॉपकॉर्न के जैसे नरम है, लेकिन दामाद चाहिए अखरोट के जैसा कड़क। पालक खाया कर, उससे आयरन मिलेगा, इससे क्या होगा। पूरे माहौल में गंद फैला दिया उल्लू का पट्टा। छी। बेटा राजू जरा खड़े हो जाओ। आप क्या देखना चाहते हैं? मैं तुम्हारी लंबाई देखना चाहता हूँ, बहुत छोटा कद है तुम्हारा। ओफो। बेटा तुम उस होल में निशाना लगाओ, मैं मुंह इस तरफ कर लेता हूँ। अंकल छोटा होल है, निशाना कैसे लगेगा? लोग इससे भी छोटे होल में निशाना लगाते हैं, लगता है तुमने बाण नहीं चलाया। लड़का ऐसा हो जो मेरी लड़की की रातों की नींद उड़ा दे, एकदम शक्ति कपूर माफिक। मैं तो सोच रहा था कि बुड्ढा कहेगा लड़का शरीफ और नेक चाहिए, पर इसे तो शक्तिमान और शक्ति कपूर का कॉकटेल चाहिए। शादी के पहले मैं लड़के का पूरी तरह से चेकअप करूंगा। मेरे हिसाब से लड़का लड़की एक बार पहले मिल लें, उसके बाद तो ऑयलिंग सर्विसिंग होती रहेगी। बात यह है कि हम लड़की वाले हैं, हमें इन लोगों की बात माननी चाहिए। ऐसा करते हैं, कल दोनों को मिलने देते हैं, ताकि दोनों शादी से पहले एक दूसरे को जान लें। हजरत यहाँ आइए। बोलो भाई, आपके आका कहाँ है? अरे वो परेशान आत्मा इधर ही होगी, जरा यहाँ वहाँ देखोगे ना तो कहीं पे भी पैसा मांगता मिल जाएगा वो। देखो पैसा दे दो भाई। हाँ नहीं देंगे, क्या कर लेगा। देखो दारू पी के पैसा नहीं दोगे तो चढ़ेगी नहीं। हम लोगों के साथ अक्कड़ बक्कड़ खेल, अगर तू जीत गया तो एक साल के बाद तुझे पैसा। चल गेम खेल, हारा तो गेम बजा देंगे, कह के लेते हैं। हाँ अरे मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। देखो चीटिंग मत करना, बता देते हैं। अरे चुप रहिए आप। हाँ इसका हाथ कोमा में। हम लोग चील उड़े कौवा उड़ा खेलेंगे। अरे उड़ाइए भैया, जो उड़ाना है जल्दी उड़ाइए। ओके मुर्गी लेकिन घोड़ा कैसे उड़ेगा? अबे जब घोड़ा तबड़क तबड़क भागता है तो धूल उड़ती है ना मुन्ना। मसला क्या है? 3 महीने से इनका उधार ही चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमको दुकान बेच के धोती पहन के धनबाद जाना पड़ेगा। क्या दे रहे हैं यहाँ खिलवाड़? हमारा पैसा दिला दो बिरादर। अच्छा अच्छा आप सब्र रखें, हम बात करते हैं। रेफरी भाई आओ। बिरादर मेरे अजीज दोस्त को परेशान क्यों कर रहे हैं? हम लोग सब एक गेम खेल रहे हैं, जो दारू पिएगा वो पैसा देगा। तो ईमानदारी का दामन थामो और आगाज करो, देखना सेंडी लगाएंगे। देखा हमने कहा था ना, घुसर गए क्या? ए उठो, पैसा दे के मर रहा। उठो अपनी तशरीफ उठाओ। क्या तमाशा लगा रखा? अरे भाई थोड़ी ज्यादा हो गई, जल्दी खेल खेलो और ये मामला रफा दफा करो। आजा जल्दी, रुको। हम लोग यार देखा ना, चलो भागो यहाँ से, माफ किया तुम लोगों को। हमारा फ्रिज हमेशा दारू से भरा रहे। रेडी रेडी रेडी, 1 2 भाई हाफ। क्यों मर क्यों रहे हो? कोई नशे के जहर से मर रहा, कोई प्यार के जहर से, अरे महंगाई के जहर से भी मर रहा। लेकिन ये गरीब पता है मौत के करीब क्यों जा रहा है? अरे बीवी की जहरीली बातों की वजह से। बीवी ने ऐसा क्या मांग लिया जो मरने जा रहे हैं? को डिटेल में जाते हैं। हाँ, फुल डिटेल। क्या बता रहे भाई? वो मुझसे कपड़े धुलवाती है, प्याज कटवाती है। इसको अपने पास रख, मर जाऊंगा। जी क्या क्या कर रहा है? वो मुझे मरने भी नहीं देती, बोलती है टॉर्चर सहने के लिए जीना होगा। अब तू बोल। मेरी वाली मुझसे झूठे बर्तन धुलवाती है, पैर दबवाती है, अपने बालों से जू भी निकलवाती है, इसलिए सुसाइड। शुक्रिया हजरत, मैं भी अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये लोग हाथ पीले करके परेशान है और मैं अपने हाथ गीले करके परेशान हूँ।
अब यार हंस क्यों रहा? रोने क्यों लगा? कुछ काटा क्या? इस जज्बात की आंधी को रोको। मैं चींटी को मारने वाला जहर खा के ऊपर चला जाऊंगा और पूछूंगा हमें मर्द क्यों बनाया, और बनाया तो इतना दर्द क्यों दिया? मेरे जिगर के छल्ले, सबर रख सबर रख। मसला क्या है? मुजरा देखना है ना तुझे? मुजरा देखना है? मेरा देख। अम्मा यार, ये तो बता किस बात का जश्न मना रहा है? बियर बार का जन्मदिन है। हाँ सर, क्या लेंगे? दूसरे मेहमान को आने दो। ओके सर। हेलो। हाय, मैं शीला। मैंने तुम्हें देख लिया है। अपने लेफ्ट किनारे देखो। मतलब बाईं ओर? क्या लग रहे हो यार? हाय। आगे आटे की बोरी, पीछे कमसिन छोरी। शुक्र है। हाय। आइए आइए, तशरीफ रखिए। नाचीज को जीत लखनवी कहते हैं। हाय, मैं शीला। सर इतना मत हिलाओ। क्या? नाजुक हाथ है, ज्यादा हिलाएंगे तो उखड़ जाएगा। हाँ मुमकिन है। शुक्रिया। लखनवी टुंडे कबाब और गरम कॉफी। मेरे लिए आइस टी। खोलती हुई लाना। ओके सर। इसको मैंने किसी लड़की के साथ तो देखा है, पर कहाँ देखा है? इससे पहले मेरा विकेट ले, मैं हिट विकेट हो जाता हूँ। देखिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं अपना वॉलेट लाया हूँ। नहीं नहीं, वो तो मैं कुछ और। चलिए सीधा मुद्दे पर आकर दो मिनट में आपकी उलझन दूर कर देता हूँ। आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे किसके साथ गुलछर उड़ाते देखा? अब देखिए, जवानी उस परिंदे का नाम है जो कहीं ना कहीं मुंह और पर तो मारे गए, कोई दूध का धुला नहीं होता। तुमने बागीचे में बहुत आम तोड़े हैं ना? मतलब घाट घाट का पानी पिया है? नहीं, एक आध घाट छूट गई होंगी। 100 क्रॉस किया कि नहीं? ये तो गिनना पड़ेगा। करिश्मा, करीना, फरजाना, फरहाना, शबाना, रुखसाना, अरे हाँ मूड चेंज हो गया था तो राजू, केतन, फिर हमारे हम सफर, हम राज के साथ एक क्या हो गया? चल गया। वो देख, व्हाइट चॉकलेट अंदर की जगह बाहर ही गिर गया। मेरी आने वाली पुश्त तकलीफ में लग रही है। इससे शायद आराम मिले। सॉरी, गरम करके ठंडा कर दिया। बस बस, और मदद मत करो, रुक जाओ। सॉरी, ये सब कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत चल रहा होगा ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स अगर इतनी ज्यादा है तो तुम डायरी क्यों नहीं मेंटेन करते? मैं सबूत बिल्कुल नहीं छोड़ता। तुम्हारी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी, तुमने उनके साथ क्या किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वाकई? सच में तुम्हारे अफेयर्स के बारे में सुन के तुम्हें कोई भी लड़की रिजेक्ट कर देगी, पर मैं इसमें प्लस पॉइंट्स देखती हूँ। जरा खुल के बताइए क्यों? लड़की को पटाना, उसे इम्प्रेस करना, उसे डेट पर ले जाना, इस सब में कितना टाइम वेस्ट होता है। लड़की से ये कहना कि तुम्हारी लिपस्टिक गेंदे की फूल की तरह खिल रही है, तुम्हारा परफ्यूम केवड़े की फूल की तरह महकता है, तुम्हारे बाल रेशम की तरह हैं, उनको फिल्म के रोमांटिक डायलॉग सुनाना, उन्हें झूठ से इम्प्रेस करना कोई हलवा नहीं है। लड़कियों को इम्प्रेस करने में तुमने PhD कर ली है। शुक्रिया। इसमें इतना इतराने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे ब्रेकअप के पीछे वजह क्या है? अब लड़कियों को इतना कौन समझ सकता है। वैसे एक दो डेट्स के बाद लड़कों की औकात सामने आ जाती है, यही हुआ होगा। एक काम करते हैं, वैसे तो तुम मुझे अच्छे लगे, मतलब तुम्हारी दाढ़ी मूछ, तुम्हारी झूठ छुपाने की अदा, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, सब अच्छा लगा। ऐसा ही लड़का चाहिए था। चलो एक काम करते हैं, डेटिंग करने के लिए किसी ट्रिप पे चलते हैं। ट्रिप पे? हाँ, लेकिन हम अकेले नहीं, बेवजह स्कैंडल बन जाएगा। अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं, खास करके कपल फ्रेंड्स, तो उनको साथ ले चलते हैं, एक दूसरे को करीब से जानेंगे। ठीक है, मुझे फोन करना। आदाब। बरखुरदार। बकिए, कल एक हसीना से मुलाकात हुई थी। चलो, मुक्का लात नहीं हुई, हरकत बाजी तो नहीं की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन हरकतों की वजह से सब मुझे छिछोरा कहते हैं, उसी छिछोरेपन पर वो फिदा हो गई। लगता है उसे खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ पसंद है। टांग खींच रहे थे, पटक के ब्याह कर डालो और का। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, शादी के खेल का कायदा बदल गया।
उसका खानदान चाहता है कि हम घर बसाने से पहले ही घर घर खेलें। ये खेल भी बिल्कुल वैसा ही होगा ना, डॉक्टर डॉक्टर जैसा? नहीं नहीं, डॉक्टर डॉक्टर नहीं, घर घर अलग तरीके से खेलते हैं। गुड फैमिली यार, आई लाइक अमेरिकन कल्चर। हम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर घर खेलेंगे। क्या फरमाया, तेरी जिंदगी में कोई हसीना भी है? हाँ, बिल्कुल है, एकदम अंगार, जिसको देख के आदमी को फोड़े आ जाएं। उसे जब पहली बार देखा तभी पता चल गया था कि सूरज से ज्यादा तपिस है उसके अंदर। उसकी कहानी सुनाते हैं। अबे एक बोतल देना। खुले है ना? तभी हम भगवान को कसम दिए कि शादी कराना तो हमारी इसी से कराना, वरना बाढ़ आ जाए हम बह जाए उसी में चलेगा। बस यहीं से हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई और हम सीधा पहुंच गए काफी साहब में उसको क्या कहते हैं प्रपोज करने। हेलो जी, स्क्वीज मी। उस दिन हम तुमको दारू के अड्डे पे देखे, तब से हमारा नशा ही नहीं उतरा है। कसम गंगा मैया की, हम तुमको 9 लाख हार पहनाएंगे। अबे क्या चाहिए? हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ड्यूटी निभाना चाहते हैं। शक्ल देखी अपनी? देखिए, हमने सिरी फरहाद लैला मजनू सब पढ़ लिया है, उसमें शकल वकल से कुछ नहीं होता, सिर्फ शरीर से होता है। कसम गंगा मैया की बहुत खुश रखेंगे। अपने को टच करके बोल। आपके शरीर का कसम। इसको क्या चूरन दूं? ठीक है, कल से तू मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ, लो इसको खोस लो। आज से ज्यादा कमाना पड़ेगा भैया। तू जिस तरह का तू हुलिया बता रहा है, कहीं वो मेरा चबाया च्युइंगम तो नहीं? सवाल ही नहीं उठता, हम हमेशा फ्रेश चीज खाते हैं। अच्छा, झूठा खाने से हमको मुंह में छाले आ जाते हैं? ओ, चलो मिट्टी डालो पुरानी फाइलों पे। बरखुरदार, मेरे पास एक तरकीब है। बकिए, तुझे दावत देने वाला नहीं था क्योंकि तू छड़ा छाट था, पर अब तेरे पास भी बंदोबस्त है और मेरे पास भी। और वो कहावत तो तूने सुनी होगी ना, 2 से भले 4। अभी ताजा मामला है, वो हमारे साथ नहीं आएगी। क्यों? डरेगी, कहीं हम ले जाके उसको जबकचू कर दिए तो। अरे लड़कियों के दिल में क्या चलता है मुझे पता है। मैं बात करता हूँ। 9884204206632। ये ले, मेरा साथ दे। नहीं दूंगा। नहीं पिएगा, मुझसे प्यार नहीं करता। प्यार साबित करने के लिए बेवड़ा बन जाओ? हाँ, जब भी देखो मुझे पिला के बस मेरा फायदा उठाना चाहती हो। तुम्हारा तन उजला है, मन मैला है, हवस का सबूत तो देती हो, प्यार का कब दोगी? मेरे नाम का टैटू बनवाऊंगी। टैटू? प्यार का थप्पा लगा के नुमाइश बनना चाहती हो? तो मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं हो। मेरे प्यार की टंकी में अब एक बूंद भी प्यार तुम्हारे लिए नहीं बचा। नहीं जीत, मुझे छोड़ दो। मैं काम करता हूँ पर गिर के कोई काम नहीं करता हूँ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। अरे छोड़ो। एक दिन मैं तुझे छीन के रहूंगी। देवी की कृपा तो मैंने देखी है। बरखुरदार, मैं फोन करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तेरे चेक पे मैं कैसे साइन कर सकता हूँ? तू ही फोन करके बात करना यार, प्लीज। गंगा भैया 12 बज के लटक गए हैं। ए अमित, क्या वो दरवाजा खोल रहे? अरे सब प्यासे हैं, दम फूट जाएगा उनका। हमारे बी पॉजिटिव हैं। और बी पॉजिटिव तो ब्लड होता है ना? इनके पैसे से खाते हैं तो ब्लड बनता है, और हमारा ब्लड है बी पॉजिटिव। चलेंगी? मतलब हमारा जो दोस्त है उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना, दोनों एक हफ्ते के लिए बैंकॉक जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक हफ्ते का स्टॉक दे दो, फिर यहाँ से निकल। नहीं नहीं, बैंकॉक का वीजा छड़े छाट लोगों को नहीं मिलता ना, तुम भी आओ ना। ठीक है, उसकी फोटो दिखा। उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो हम क्यों रखें? अबे गर्लफ्रेंड की नहीं, अपने दोस्त की फोटो दिखा। उसकी फोटो हमारी देखो ना। फोटो दिखाएगा या मैं जाऊँ यहाँ से? हाँ हाँ दिखाता हूँ। गंगा मैया तुमको जमुना का सौगंध है, इसको बहने मतलब बहकने मत देना। देखो तुमको तुम्हारी मैया का कसम, अगर तुम ना बोले तो हम यही समंदर मैया में डूब के अपनी जान दे देंगे। तुम्हारे पैर बहुत सॉफ्ट है, कल हवाई अड्डा आ जाओ। एक दूसरे को गहराई तक समझने और देखने के लिए ये लोग मसाज के शहर बैंकॉक जा रहे हैं। हाय हाय, कैसे हो? एकदम दुरुस्त। तुम्हें ही फोन करने वाली ये थी। मेरा दोस्त है। हेलो,
तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आई? हवाई अड्डा के बजाय दारू अड्डा तो नहीं चली गई? कितना भी सूखा क्यों ना पड़ा हो, शेर कभी घास पे हाथ नहीं डालता। छोटी बहन का ड्रेस पहन के आई है। हाय हाय हाय। मर्दों को अंदर आना मना है। महिला मंडल की मीटिंग हुई होगी। यहाँ अपने पांचों हाथ दूध में और सर मलाई में होगा। कसम से हलवाई बन जाएंगे हम। सॉरी जीत, आने में देर हो गई। कोई बात नहीं अंकल। हाँ। गरीब खान आलीशान है। जिस टेंपर अपने हाथों से मारा है मैंने। ओ, पेंटर बाबू हो। बैंकॉक के भूतिया बंगले में अपनी गैंग का पहला दिन। अब तो इनका रखवाला ऊपर वाला ही है भाई। लगता है बंगली वाले बाबा से फुकवा के नींबू वाली काली चाय पीनी पड़ेगी। नाइस प्रॉपर्टी। थैंक्स। एक दूसरे को समझने के लिए काफी जगह है यहाँ। वहां से कोई गया ना? एक सेकंड। कितनी बड़ी खिड़की है ना। अरे ओ जीत, सामने वाला रूम मत खोलियो, वो तेरी चाची का कमरा है जिसे हम कभी नहीं खोलते। ठीक है मेरे अजीजों, एक घंटे के अंदर तैयार हो जाओ, घूमने के लिए निकलेंगे। ओके हाँ ठीक है भिड़ू। गुड। आंख तो सेकली, हाथ कब सेकेंगे? इनको स्विमिंग के लिए भेजकर इनके कपड़े छुपा देते हैं। कोई तरकीब मिली तो बोलना। इनको स्विमिंग के लिए बोलेंगे और कपड़े छुपा देंगे। वो तो पहले ही कम है। दिल जीतने के लिए पहला दिन तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर पाए। मतलब तुम्हारी दाल नहीं गली, कहाँ गई हमारी रसमलाई छेना? लुंगी पहन के सोऊंगा रात को, सुबह ऐसे इंप्रेस होगी ना कि सीधा डिप्रेशन में जाएगी। इसको बोलते हैं खाओ खुजाओ, बत्ती बुझाओ और सो जाओ, लेकिन एक प्यासी आत्मा इनकी सुबह होने देगी या नहीं मालूम नहीं। अरे सुबह तो हो गई। छोटे कद को करे लंबा। एक गोली कसरत करने के पहले अगर एक साथ पूरी डाल दूं तो लड़कियों को लंबे लोग पसंद आते हैं।
अभी हमको जरूरत नहीं है। जीत का रे? क्या वो सुबह सुबह येल्लो टी पी रहा है? बरखुरदार ये काढ़ा है। ये लो दूध पियो, अपनी बंद नसों को खोलो और जाकर जल्दी से बाथरूम में नहा लो। तो फिर तू क्या पिएगा? हम येल्लो टी पी लेंगे। अरे पर मेरी नाक का चूहा गिरा था उसमें। इतना कड़वा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि गौ मूत्र पी रहे हैं। जय हो गैया मैया की रक्षा करना। ये क्या मसला खड़ा हो गया? मिशन सक्सेसफुल। कैसा मिशन? क्या मतलब? हमने इसमें लंबाई बढ़ाने वाला टैबलेट डाला था, ये उसी का असर है। बरखुरदार तुम भी बढ़ोगे। अरे हमने तो पिया भी नहीं। बरखुरदार जिस पे तशरीफ रखी है ना उस पे लगाया था चौड़ाई बढ़ाने वाला पदार्थ। चलो बदला तो ले लिए, अब बताओ इसका तोड़ क्या है? भाई तुम तो हमारा राइटिंग पैड बन गए। नीचे जाओ। बिल्ली आ गई। शो खमन हो चुकी। बिल्ली आ गई। बचो बचो छुप जाओ। अरे कुछ भी नहीं हो रहा। गुदगुदी हो रही है। पर किस लिए? टेबल पेट पे आ गया है। टेबल चल नीचे जा। हमको एक आइडिया सुझा रहा हूँ। जब मन भटक जाए तो कंट्रोल के लिए योगा करना चाहिए। ये लो तकिए को अपनी जांघ पर रखो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करते जाओ। दूर बरगद के एक पेड़ में घुस गया है एक सांप का बच्चा। नागिन उसे ढूंढ रही है, कैसे निकलेगा बच्चा? जब बजेगी सपेरे की बीन तो बाहर आएगा सांप का बच्चा। अपने चक्षुओं को खोल बालक, देख सांप का बच्चा बाहर आ गया। बरखुरदार बच्चा तो नहीं बाहर आया, एनाकोंडा आ गया, हमको डस रहा है, डंक मार रहा है। जहर ना थूक दे यार। इस एनाकोंडा से कैसे बचे तू ही बता। सांप को लाठी से मारना होगा। अरे जल्दी आ। क्यों बुलाया मैं? दरवाजे पर कोई आया है। लगता है हम लोगों का बंदोबस्त आ गया। कुछ बंदोबस्त कर। तू उल्टा क्यों खड़ा हुआ है? तू भी तो उल्टा खड़ा है। लेके टकराया नहीं? वो दोनों डर जाएंगे। अरे ओ जी वो तेरी चाची का कमरा है, उसे मत खोलियो बे। अरे क्या कर रहा है? हाथ भी तो लगा। फुल बैलेंस है। ये टेबल बिना हाथ लगाए हवा में कैसे टंगा हुआ है? तुम कलकत्ता गई हो? क्यों? अब ये कलकत्ता का टेबल है, ये ऐसे ही हवा में रहता है, इसके अंदर जादुई शक्ति है। ठीक है संभाल के उठाओ। तुम लोग भी मदद करो ना। खैर छोड़ो, ये टेबल लेकर कहाँ जा रहे हो? टेबल चाचा ने बोला था कि शिफ्ट करो, शिफ्टिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग? संभल के। हाँ संभल के। क्या हुआ है? चलना देखते हैं। आज तो सारे टेबल मैनर्स दांव पे लग गए हैं। अरे आप क्यों दिखा रहा है? खुजली हो रही है। क्या करे, कैसे खुजाओ? अरे थोड़ी देर बर्दाश्त कर। बोलो आ रहे, जल्दी कर जल्दी कर। संभल के, संभल के। टेबल वाला जादू हम लोग रास्ते पर दिखाएंगे ना तो बहुत पैसा मिलेगा। ये अंदर आते ही भूत का एहसास क्यों हो रहा है? आराम से। बचपन में एक बार हम कपड़ा घिस रहे थे, ऐसा घिसे कि उसमें से पता है क्या निकला? जिन निकला, जिन। और निकल के हमको डराने लगा। गंगा मैया की कसम उस दिन हम बहुत डर गए और उसके बाद आज डर लग रहा है। क्या करें? अरे जीत कहीं वो जिन यहाँ भी ना आ जाए। यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हो? बिल बचा रहे हैं। टेबल वजन था ना तो थक गए। अंकल ने कहा था ना इस कमरे में नहीं आने का है, चलो बाहर निकलो। देख रहे थे कि अंकल ने अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं छुपा के रखा है। इस बंगले की पूर्वज भूतनी को दुल्हन बनने की खुजली शुरू हो गई है, लेकिन ये दोनों फंटर तो अपने ऊपर लगे कुंवारेपन के दाग और धब्बों को इस स्विमिंग पूल के पानी से धोने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ये लड़की भी जानती है कि मेरे साथ बैंकॉक का ये शेरडी नहीं, फिर भी कितना नाटक कर रही है। ये लड़कियां मुर्गी जैसी होती है, मुर्गे को चार गाँव भगा भगा के थका देती है तब जाके मिलती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अभी अभी एक आइडिया ने अंगड़ाई ली है। बताऊं? बक घर में भूत है ये कहकर डराएंगे और डर से उनकी हवा टाइट हो जाएगी और हमारी गुड नाइट। ये चुड़ैलें डरेंगी? नामुमकिन।
ये हमें डरा देंगी। एक आइडिया मुझे भी आया। देख मैं पानी में कूदूंगा, तू चीख चीख कर दोनों को बुला लेना। वो घबराते हुए निक्कर में भागती हुई आएंगी। तू उनसे कहना कि जीत डूब रहा है। मस्त आइडिया है रे। मैं बेहोशी की एक्टिंग करूंगा और शीला मुझे अपनी बाहों में उठा के बाहर लाएगी और मुंह से मुंह लगा के हवा फूंकेगी। तू पानी में क्यों कूदा? ऐसे काम में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। लड़की पूरी आइसक्रीम की तरह होती है, ज्यादा देर किए तो गई हाथ से। जा जल्दी, देख क्या रहा है, उनको बुला। डूब गया, मैं डूब गया। मगरमच्छ से डर लगता है। अरे छोटी छोटी मछलियां भाग रही है। ये मर गया तो लाश इंडिया कौन लेके जाएगा? अरे क्या करूं, क्या पानी में कूदो, बचाओ उसको। पानी नमकीन हो गया। ये ठीक तो है ना? अरे बाप रे, इसे सांस नहीं आ रही। ईवीएम चलो, मैं सीख गया। चलो हे, क्या हुआ? तीन फीट पानी में डूबा और एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे 30 फीट में डूबा हो। अभी बताती हूँ। सोचने वाली बात है ना भाई लोग, बोएंगे मिर्ची तो आम कैसे पैदा होएगा? निशाना लगा रहे। ए, क्यों सूजे पे नमक छिड़क रहा है? बरखुरदार, दुख दबाओ, लेप लगा, ठीक हो जाएगा। अगर कुछ हो गया ना तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लान बता। ठीक है, एक काम करते हैं। उनसे कहेंगे चुड़ैलों ने दर्जन भर अंडे दिए और उन्हें संभालने के लिए इंसानी दाई माँ चाहिए। वो डर के मारे हमारे साथ सो जाएंगी। अच्छा, क्या आइडिया दिया है, ज्यादा नेता बन रहे हो क्या? अगर कहीं से हमको बाथरूम का चप्पल मिल गया ना तो उसी चप्पल से मार मार के तुम्हारा होलिया बिगाड़ देंगे। सूजन बढ़ रहा है, जाके गन्ने वाले से बर्फ लेकर आओ। गंगा मैया बचा ले, बचा ले, प्रिय मिनस बंदी हो गया। तू कब तक चीखेगा? मुझे उनकी भी तो चीखे सुननी है ना। वो डरेंगी तभी तो चीखेंगी। हाँ तो क्या करें? पहले हम चीखेंगे, ठीक है? ठीक है। 1, 2 घर में बैंकों की भूत है। भूत तो अपने कमरे में जाना। अकेले नहीं सो सकते, अकेले सोएंगे तो हमारा दबा देगा। तो मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं क्या? मेरे? किसको बोल रही हूँ? जीत के दोस्त को। सबसे भैया हमारा दर्द ठीक हो गया। ठीक है, 5 मिनट अपने कमरे में वेट करो, हम चेंज करके आते हैं। ओके। कसम गंगा मैया की, इस देश को ऐसा योगदान देंगे, ये आबादी 200 करोड़ के पार हो जाएगी। बर्फी पर चांदी का वरक चढ़ा हुआ है। आए, पहले ही पहुंच गई। किसी ने सच ही कहा है, औरत और मुर्गी का हिसाब सेम है। जब से आया हूँ तब से पहली बार इतना ढका हुआ देखा इसे। कोई बात नहीं, आज पता चला औरत का असली गहना चादर है। यहाँ पलटो। ए दुल्हन, ए, सच कहा है, औरत बहुत शर्मिली होती है, पर कोई बात नहीं, कटना तो खरबूजे को ही है। प्यार का खेल खेलने के लिए चाबी मुझे ही भरनी पड़ेगी। क्या बॉडी स्प्रे है, पैर रखकर टेस्टिंग करता हूँ। बहुत कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव बैंक की तरह। खाता कहाँ से खोलें? जर्मनी काथे वाला ड्रेस पहनी है का? अरे ओ नारी, अब हम पड़ेंगे तुझ पर भारी। काव्या, शीला, शीला, जीत यहाँ। तू क्यों आ रहा है? अंदर भूतनी है। मेरे कमरे में भी भूतनी है। भूतनी के डर का इन लोगों की आंखों पे ऐसा पर्दा पड़ा कि इनको भूतनी और अपनी गर्लफ्रेंड में फर्क ही नहीं दिख रहा। सुबह हो गई है, मंजन मिंजन करके मस्त बिना शक्कर वाली चाय पी रहे, मधुमेह के डर से। शीला, मेहरबानी करके गुस्ताखी माफ कर दो, जो भी गिला शिकवा है मुझसे कहो।
रात को तुमने ज्यादा पी ली थी क्या? पहले मुझे भूतनी कहा, उसके बाद मुझे मारने के लिए दौड़े। कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुम्हारी परछाई पर भी हाथ ना उठाऊं। तुम्हारी लटों की कसम, कल कमरे में भूतनी थी। भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल ये सब किताबी बातें हैं। अमेरिका में भूत देखने का एक चश्मा है, कहो तो तुम्हारे लिए एक जोड़ी मंगवा दूं। प्लीज जाओ यहाँ से। छे, होल बंद हो गया। अरे क्या बंद हो गया? एक महीने का गैप हो गया तो होल ही बंद हो गया। क्या कहा? होल बंद हो गया, अब हम कैसे जिएंगे? तुम्हारा होल बंद हो गया। क्यों रहा? कुछ बोलेगा भी? अरे गला क्यों खा रहा है? आखिर मैंने ऐसे क्या बोल दिया? अरे क्या हुआ? किस बात का मातम मना रहा है? अरे देखो ना, 26 साल की भरी जवानी में इसका होल बंद हो गया। ये क्या बकर है? पार्टी को बुला जो कामटी मार कर इसका होल खोले। अरे कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? अरे उससे पूछ, हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ, तुम ही बता दो ना। एक महीने का गैप हो गया तो छेद बंद हो गया है। क्या? अरे मेरी नाक का छेद। गारंटी खत्म होगी इन लोगों की। हटो, हमको खुद देखने दो, दिखाइए। हाँ, नथनी वाला होल, हम नाक वाला समझे थे। जा मेरे कपड़े इस्त्री कर। आप कर देंगे। रात का टाइम और गोल्ड माइन की पिक्चर, क्या कॉम्बिनेशन है भाई। ये तो नहीं खुल सकती, हवा से खुल गई होगी। खराब हो गई है क्या? बार बार क्यों खुल रही है? या कहीं इसके हाथों की सफाई तो नहीं? ए, ए, ये कौन सी नारी शक्ति से जेब खोल रही हो मेरी? ए, नेल पॉलिश लगा रही हूँ मैं। तो तुमने हाथ नहीं लगाया? तू क्या ताजमहल है जो तुझे हाथ लगाऊं? बड़ी आई, बंद कर दे तो। इतना कुछ सिखाया मैंने लेकिन अभी तक इसे कुछ नहीं आया। चलो। अरे तुमने जिप बंद करना नहीं, नाड़ा बांधना सिखाया था। ए, कपड़े से जिप को पकड़ो। करो। बंद हो गई, शुक्रिया। अरे अब ये क्या यार, तुम्हारा कपड़ा फंस गया। संभाल के। अरे धीरे से, आराम से, आराम से। बहुत महंगी निकल रहे, मेरी चेन खराब नहीं होनी चाहिए। अबे क्या हुआ, ऐसे क्यों शर्मा रहा है? वो क्या है कि मेरा दोस्त जीत है ना, वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पबजी खेल रहा है, इसीलिए। ए टूटी खटिया, तेरा फ्रेंड तेरी गर्लफ्रेंड के साथ पबजी खेल रहा है। हा? मैं तो कहता हूँ अपनी आंखें निकलवा के छिपकली की लगवा ले। मान गए, जितना प्रेम सगी बीवी नहीं करती उतना पराई गर्लफ्रेंड करती है। हाय दैया, जिस कलयुग के बारे में रामचंद्र ने बोला था वो कलयुग आ गया। छोड़ूंगा नहीं। जरा देखो उधर, ध्यान से देखो, आंखें फाड़ कर देखो। मेरे तो आंसू निकलने वाले हैं। क्या हुआ? ये चाकू से काट डालूंगी। अरे तो तलवार देता हूँ ना। ये कपड़ा फंस गया। आए हाय हाय, काट डाला, बेचारा विधवा हो गया। रात का समा जलाले शमा, अभी इनका भी दिल कोई मेटल का थोड़ी है। भूतनी के डर से इनका दिल धक धक की जगह पुक पुक कर रहा है। अमा, जाम की तोहिन क्यों कर रहा है? लगता है ग्लास को ये वाली नहीं पीना पर मुझे पीना है। डाल अमा, आदमी हो या पैजामा, या चश्मे का नंबर बढ़ गया। जाओ उठा, ढक्कन खोलते चढ़ जाती है तुझे। अब ग्लास अपने आप कैसे टूट गया, लगता है हमको ही बहुत चढ़ गई है। ऐसे खंबा पीने के बाद ही हमको लगता है कि गले से कुछ उतरा है। अमा क्या कर रहा है, बोतल खींच के मारू क्या? फिर से कैसे गिरा, सही जगह तो रखा था। अब यहां से हिलना मत। सटक गई है, डब्बा नहीं रख सकता, बेवड़े के नाम पे धब्बा है तू। करेक्ट बोला, सटक गई है मेरी, तेरी नहीं सटकी तो तू ही रख दे। जा। ऐसे रखते हैं। हाँ?
नरम खेलने वाला चिकना पाउडर होता है ये, कसम गंगा मैया की, भूत पैर रखते ही फिसल के गिर जाएगा। हर तरफ छीटा मार आउट 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 डाल 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 खत्म कर दे। हो गया हाँ। कर दिया बंदोबस्त। चल चल अब क्या हुआ? क्या होगा, घर में भूत है। क्या क्या सपने लेकर आया था। ये कैसी आवाज है? घुटने पटक की आवाज मत करना, पक्का वही भूतनी होगी। आओ चुड़ैलो, भूतनी आ गई। क्या हुआ? भूतनी टहल के खाना हजम कर रही है। आत्माएं हवा खाती हैं, खाना नहीं। अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को हम लोगों के साथ अभी शादी करना पड़ेगा। ऐसी बात है, दरवाजा खोलो। खोल देते हैं। दरवाजा खोलो ना। अगर भूतनी निकली तो अभी जाके काव्या को लिपट जाऊंगा। निकल जा, निकल जा, निकल जा। देखो नक्शे कदम देखो। देखो आत्माएं चप्पल नहीं पहनती, बिल्कुल वही निशान है। आओ उस तरफ नहीं। अगर हम लोग भूत पर काबू कर लें तो उससे लोगों को डराकर करोड़पति बन सकते हैं, गंगा मैया की कसम। ये 8 नंबर का पैर लग रहा है। पहले हम शूज की दुकान में काम करते थे ना, इसीलिए हमको पता है। ये निशान तो दरवाजा की तरफ जाकर खत्म हो गया। नक नक कर नक। भूतनी अंदर आराम कर रही है। दरवाजा खोल के देखते हैं। अरे मेरी माँ, ऐसा मत करना, अंदर भूतनी है, 50% की सेल नहीं। एक बार दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला तो वो निकल के भाग जाएगी ना। दरवाजा काट के इसमें खिड़की लगा देता हूँ, फिर तुम झांकती रहना। तुम खोलो। आत्मा कपड़ा बदल रही होगी, जलबला जाएगी। नहीं, हमारे कपड़े नोच लेगी। ये लोग भी ना, चुपचाप दरवाजा खोलो। अरे जितना खोलने की जिद तुम कर रही हो उतना तो हम भी नहीं करते तुम्हारे साथ। अरे गंगा मैया, ऐसा मत करो। कहीं पत्नी बनी है ना, आज जिस लग समझा करेंगे, बहुत डरेंगे, पूछेगा, हम डरेंगे। भाई तुम दोनों ने ऐसे मारा जैसे बोकड़ बकरा सींग मारता, बहुत दुख रहा है। वो अंधेरे में चाचा को पहचाना ही नहीं। चुप हो जाओ। तुम सिर्फ लड़कियों की झूठी तारीफ कर सकते हो, उनसे सच्चा प्यार कभी नहीं कर सकते। तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ही लड़के बदनाम हैं। शीला तुम, मैं गलत थी, मुझे लगा था मैं तुम्हें सुधार दूंगी, लेकिन तुम किसी भी जन्म में सुधरने वाले नहीं हो। मैं सुधरा हुआ हूं। तुम मेरा फायदा उठाना चाहते थे। आई हेट यू। नहीं शीला, वो भूतनी की वजह से मेरा ध्यान हट गया। मैं सुबह की फ्लाइट से वापस जा रही हूं। अरे शीला, शीला बात सुनो। शीला मतलब मेरी लाइन क्लियर हो गई। लगता है अकेलेपन में इसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, देखना इसको लाभ देंगे। शीला सुनो, तो इस घर का इंटीरियर डेकोरेटर पूरा लुल था, कांच के बीचों बीच कौन स्टिकर लगाता है, कंट्रोल फासू कंट्रोल। लगता है एक्सपायरी डेट से पहले इसका नसीब जा गया। जब तक है पास तब तक है आस, अपना प्रॉफिट उनका लास। मैं तो सुधरने की मन्नत मांगकर आया था, पर ये भूतनी बीच में आ गई। सोचो बैंकॉक आकर भी मैं तुम्हारे पास ही हूँ। शीला जी तुम्हारा है। आखिर मैं यहाँ पर आई ही क्यों? ये आवाज तो इंसान से शादी करने से अच्छा है कि मैं किसी जानवर से शादी कर लूँ। इसमें इंसानियत नाम के शीला नहीं है। किचन में तो क्यों आई इसके साथ यहाँ? ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। कहाँ गए? ए चिकने, मस्त दिख रहे लारे। न जानती थी तुम आओगे जीत, तुमने सचमुच मेरा दिल जीत लिया है। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में हम लिखेंगे डायरी में। मुझे अपनी बाहों में भर लो जीत। मैं इस किचन में खुद को जला के भस्म कर लूंगी। जल्दी चलो भागो। अरे कोई बताओ, अरे कोई बताओ।
अरे रुको तुम्हारी तो अरे लड़कियों सुनो बड़े बूढ़े सही कहते हैं लड़कियां बहुत मतलबी होती हैं लगता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक बंदिश हुई है अरे क्या हो रहा है चेहरा डाल के देखता हूँ पूरा चेहरा चिकने अरे सालों से अपुन इस बंगले में तुम जैसे कुंवारे छोरों का इंतजार कर रही थी अपुन के शादी के दिन ही अपुन अग्नि में झुलस गए क्योंकि पंडित ने अग्नि में घी ज्यादा डाल दिया था अपुन की सुहाग सेज अर्थी सेज बन गई तब से अपुन फड़फड़ा रही है तुम लोग को मालूम है वो अपुन की लव मैरिज थी लेकिन अपुन के 13वें के दिन ही जब उनके बॉयफ्रेंड ने शादी कर डाली तब इससे अपुन की आत्मा तुम जैसे कुंवारों को ढूंढ रही है तुम दोनों में से किसी एक को अपुन का दूल्हा बनना ही पड़ेगा नहीं तो अपुन अपनी भूतनी फ्रेंड को बोल के तुम दोनों का गला कटवा डालेगी शादी के बाद ही जब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जो भी अपुन से शादी रचाएगा सुहाग रात के बाद अपुन की तरह भूत बन जाएगा जान से जाएगा जान लग गई भूतनी के डर से सिर्फ चीखे नहीं हंसी भी निकल सकती है चड्डी में खटमल घुसा तो खोजाना हंस क्यों रहे हंसी नहीं रुक रही क्यों भूतनी को कुवारा लड़का चाहिए हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है मैं कुवारा हूँ ये बात समझ में आती है क्योंकि हमारी नैया का खेवैया कभी मिला ही नहीं लेकिन तुम्हारे टावर का नेटवर्क कभी पकड़ा नहीं आज पता चला अमा हंस मत ये सच है ए बरखुरदार हमको लगा था तुम बहुत बड़े दरिंदर हो आज जाके पता चला कि तुम एक नंबर के छछुंदर हो ए, आज तक खाता नहीं खुला तो आ रहा हूं तो फिर वो जरीना करीना रवीना नगीना तो सिर्फ भाईचारा था मतलब तुम पुलिस का ड्रेस तो पहने थे लेकिन सिर्फ फैंसी ड्रेस वाला अरे गन तो लोडेड रहती थी पर चलाने का माहौल नहीं बनता था सब सतर्क देख देख के सतर्क हो गई हैं दिमाग को दीमक खा गया है ये क्या कर रहा है सिक्का निकाल रहा हूं इसोले पिक्चर वाला कॉइन है कॉइन वो नहीं है पर काम वही करेगा डमी है ठीक और यही फैसला भी करेगा अगर चित आया तो भूतनी के साथ चिंता था चिता और अगर पट आया तो पटापट यहां से भागेंगे करूं टॉस ये पैसा तो बहुत अकड़ू निकला हा? ना इधर का ना उधर का देख सच तो ये कि औरतें हमें बर्दाश्त नहीं करती अब ये भूतनी है तो शायद थोड़ा बर्दाश्त कर ले बस उससे भगाने के लिए हमें आदमी की असली जात दिखानी होगी पॉसिबल है भूतनी की माँ की चूड़ी अरे बस आखिरी बची है भाग लोहार से चड्डी बनवाए हैं और सोने का ताला भी लगवाए हैं ऑल इज वेल फिर से करना मजा है गले से उतरती नहीं तो पीती क्यों है अब तूने हमारे दारू पिया तो दारू का कर्ज चुका हमें सावन के झूले का मजा दे मजा है ताकत नहीं है सिर्फ 5 फीट ऊपर ले गई झूले वाली फास्ट करना क्यों हवा निकल गई और लिफ्ट कराओ उतने का हमको डरा रहा है अरे हिम्मत है तो सामने आ हम भी ट्रिपल ब्लैक बेल्ट हूँ मेरे चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपको भूतनी दिखाऊंगा मेरा यकीन नहीं है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और यकीन कीजिए मेरे 3 गिनते ही मेरे पीछे से भूतनी निकलेगी चलिए गिनते हैं 1 2 3 एक सेकंड इधर इधर
लोहे की कोटिंग की है, समझ में नहीं आता तुझे? बोला था ना मेरे तीन घंटे मेरे पीछे से गुजरना, जाओ बस। ओके ठीक है, तैयार, एक दो तीन। क्या चाहिए तुझे? उनके साथ शादी का मुहूर्त फिक्स कर। अरे कहा यार, एक ही रट लगाए रखी है कब से, शादी शादी। तुमको पंडित मिल गया क्या है? तुमको पता नहीं भूत का शादी कोई पंडित नहीं कराता। भागो, बाल में बहुत डैंड्रफ है, नहाती नहीं का गंदी कहीं की, तुम्हारा चेहरा देख के तो भूत भी डर जाएगा। शादी शादी करती है, दिमाग चाटती है। हमेशा शक्ल पे नहीं जाने का, कभी कभी अपनी अकल भी लगाने का। लगता है बरसात की देवी साक्षात हमारे घर के सामने प्रकट हो गई है। बारिश में भीग गई, चावल मिलेगा? ए, उसको देख के इतना हिल का रहा है, मेरे घुटने की कटोरियों में गुदगुदी हो रही है और मेरा तो कुछ और ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अंदर आऊं? ओ, 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 ए, हम चटाई लाते हैं कि सोफा भीगेगा चलेगा, गर्मी से सूख भी जाएगा। अच्छे से पोछना है। खसक खसा है और खसक। घर पर और कोई नहीं है? हम दोनों आपके लिए काफी हैं। गर्लफ्रेंड नहीं है? थी किसी जमाने में, होएगी तो भी छोड़ देंगे, चिंता मत कीजिए। अटक गया, अभी रुकिए पानी लाता हूँ, रुकिए। कहाँ गया पानी, कहाँ गया जग, कहाँ गया जग? अरे भूतनी तो पूरा पानी पी जाती है। आराम से, पानी नहीं है। अरे बरखुरदार, फ्रिज में जाके देखना, उसमें होगा। ए, जाके फ्रिज खोल, यहाँ क्या खड़ा है? दुनिया का सबसे महंगा मिनरल वाटर, ये पानी रोज मिले तो सब बीमारी दूर हो जाए। इस पानी में कैल्शियम और आयरन की भरपूर मात्रा होगी। हेलो, फरमाइए। तुम लोगों ने नाश्ता किया? भूखे हैं, पानी से ही पेट भर गया। क्या नारियल पानी? रेस्टरूम कहाँ पर है? बेडरूम के अंदर। ओके। ए, इसको ले जाके किचन दिखा देते हैं। लगता तो है कि ये सैंडविच अच्छा बना लेगी। हो क्या? हाँ हाँ, चाहिए तो बुला लेना। पीछे पीछे जाते हैं। तो जाना दरवाजा खोल, तू भी चल। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। जवान भी घंटी बजाया होगा, तू से मार खाएगा, तू देख लेना। खोल खोल खोल। कौन है? कौन है? हमारा देसी घी। अरे वो तो गायब हो गई। गायब है? ए, लगता है बाथरूम में जाकर छिप गई होगी। आजा पहले इनसे निपटते हैं। पता नहीं क्या होगा, एक्टिंग का चांस मिला है, फुल परफॉर्मेंस देना। उस भूतनी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, जैसे हमारी बहुत चिंता है, इसीलिए छोड़ के चली गई थी ना। हम लोग भूतनी का कछुआ छाप लेने गए थे। क्या मतलब? बोले तो तांत्रिक, उनके कदम रखते ही भूतनी छू मंतर। देखने में लगता है कि इनका होगा गली गली में ढिंढोरा, लेकिन इनको कुत्तों ने दौड़ाया और बंदरों ने घेरा। फादर, आप हमारे साथ चलिए और उस आत्मा को भगा दीजिए। फादर जिंदाबाद। फादर को तीसरी आंख से पता चल गया कि आपके घर में खतरनाक भूत है। फादर खिल्ला ठुकी हुई चप्पल पहन के तपस्या किए थे, इसलिए इनको पता है। तो फादर सही कह रहे हैं, चीज महंगी है, जो भी कहेंगे देंगे ना। ओके। ये दोनों भूतनी को पकड़े या ना पकड़े, उस प्यासी मेहमान को जरूर पकड़ लेंगे। ऐसा लगता है कि दोनों का पासपोर्ट घूम गया है। अरे अफ्रीकन लग रहे हैं। फादर,
फादर की तीसरी आंख ने देख लिया, अंदर भूतों की मीटिंग चल रही है। इसने तो सुन के बता दिया घर में भूत है। अरे तो ढोंगियों की ट्रिक है कि घर में जाते ही कह दो कि भूत है। आगे का प्लान बताओ। घर का सारा माल लूट के उसकी बैंक में FD कर देंगे और उसके ब्याज से अय्याशी करेंगे। उसके लिए विदेश जाना पड़ेगा ना, तो बैंकॉक और नेपाल जाएंगे। यस मदर। फादर जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू। आपस में क्या आशीर्वाद बांट रहे हैं? चूहा मीटिंग कर रहे हैं, रात भर वॉच करना पड़ेगा। पिताजी प्रवेश करें। करो करो। सुंग रहा है, लगता है पिछले जन्म में डॉगी था। क्या हुआ? गॉट इट फादर, यहाँ से हमारे पीछे कोई नहीं आएगा, आगे भूतों की नाकाबंदी लगी है। फादर छू। गो फादर। मुगले आजम के दौर की पेटी है, गहनों से भरी हुई। ये फादर है तो ये भी कुवारा होगा, काश भूतनी इसी को पकड़ ले। फादर चंदन की लकड़ी का है। मैं इसमें साउथ की पिक्चर देखूंगा, आप क्या देखोगे? फैशन टीवी। फादर आगे सच मजबूत है। फादर इधर किचन है, नमक मिर्ची लहसुन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। स्वच्छता को भंग कर रहा है। फादर आगे ठुकोगे, लेफ्ट राइट। खोलो मत। फादर को रोको मत। फादर लाल बत्ती वाली गाड़ी है, फाटक खोल दो। ये लाल बत्ती गाड़ी काली पीली होके आएगी, देख लेना। फादर ये घर है कि संसद भवन, खत्म ही नहीं हो रहा। किधर होगा, किधर होगा कीमती खजाना? खोलो दरवाजा, खोलो। ए मम्मी मरी गए हो, इतने बड़े वो अफ्रीकन। ये कमरा नहीं, रिसोर्ट है। ये जगह हम चोरी करके भाड़े पे दे देंगे, क्रेन मंगवा के उठा लेंगे रिसोर्ट को। इतना बड़ा पलंग, एक पलंग पे 6 लोग ग्रुप में सो सकते हैं। फादर ये लोग हैं कि गए काम से? अभी भूतनी इनके चड्ढे का नाड़ा ढीला करेगी। हेलो, अरे मोहतरमा आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी जल्दी टॉप क्यों पहन लिए? इसका दुख तो मुझे भी है, पर इसे देखकर हम पे सवाल उठेंगे कि ये है कौन, तो क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पहचाना। उस तरफ देखो। टाइट नाड़ा था। अब बताओ लड़की होके कोई मर्दों वाला चड्ढा पहनता है? दीदी अकल का ढक्कन नहीं खुला। अरे अपोने अपोन, जो पंडित के ज्यादा घी डालने से सुलग गई थी। क्या बोला था तुम लोग ने? अपुन चकास नहीं दिखती है, अब दिख रही है ना? जल्दी भागने तो हमारा लड़का दबा देगी। एक सेकंड। फादर इधर आओ, कुछ खाते हैं, भूख से चड्ढा ढीला हो गया। एंजल अगर इस कमरे का माल बेचा तो डूबी इसके आ जाएगा। चलो खाते हैं, खाते खाते खाते। टाटा वाले का ट्रक मंगाते हैं भाड़े से, रातों रात पूरा कमरा लपेट के निकल लेंगे। दो ताली। चलो चलो खाते हैं, रिएक्शन मत दो। फादर, फादर को मोतिया बिंदु हो गया, इसलिए दिन में दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन्होंने उल्लू की आंख बिठाई है। रात को ही भूत देख सकते हैं। भूत भगाने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, यह है लिस्ट। एक भी चीज कम हुई तो भूत भागेंगे नहीं। देखो मत, ऑनलाइन ऑर्डर करो। गणपति बप्पा मोरिया। हाँ खाओ, सब खाओ। 20 साल बाद ऐसा खाना खाने को मिला है। खाओ खाओ, जेब में भी भर लो। क्या फादर, मुर्गी की हड्डी हलक में आ गई, अभी कुकड़े कुक करेगी। आज रात को 8 बजे के बाद चाहे भूकंप आए या जलजला, कमरे में धोने के लिए पानी क्यों ना हो, चाहे चीखों से छत क्यों ना फट जाए, ना कोई कमरे से बाहर निकलेगा ना झाकेगा। अगर कोई बाहर निकला, कोई नहीं निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। यही डर चाहिए। अब अपना फूड चबाइए। ये फादर और नन यहाँ से हटाने आए हैं, भूतनी का साया नहीं, कीमती सामान। सब लोग दुबक के कमरे में बैठे ले तो चिल्लम पुकार करके टेस्टिंग कर लेते हैं। माइक टेस्टिंग, 1 2 3। याद है ना, कोई नहीं निकलेगा,
सुरीली भूतनी है। ऐसा लग रहा है भूतों का ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। अरे चुड़ैल देखकर डर गया था क्या? नहीं तुझे देखा था। चुप करना, चल। दीवार समेत पूरा घर उठा के ले चले क्या? हम घर उठाएंगे तो हमको कौन उठाएगा? क्रेन लानी पड़ेगी। क्रेन चल। अबे क्रेन अंदर नहीं आ पाएगी। एक काम करते हैं, गधे लेके आते हैं, सामान उन पे ला देंगे। अरे गधा क्यों मंगवाना है? तू ही तो गधा है, तेरे ऊपर ला देंगे, फ्री में काम हो जाएगा। क्या आइडिया है। चल निकले। अबे चिल। हाँ जा। इतना एंटीक तो म्यूजियम में भी नहीं होगा। हाँ दिख रहा है। मैंने अपनी आंखें भाड़े पे नहीं दी। यहाँ से लूट कर बैंक के लॉकर में रख देंगे खजाना। अबे गोल्ड माइन तो यही है। इसको सुनार को देखे शेरवानी बनवा के पब में ठुमके लगाएंगे। लियोनी के साथ पहले सोने की ईंट ला, मैं ले जाता हूँ। जल्दी जल्दी दे। ले, ले जा, बोरी में भर। दो सोने की ईंटें मैं कहाँ डालूँ, कहाँ डालूँ। हाँ यहाँ रखता हूँ, फिर अपने ड्रेस में ही लपेट लूंगा। दे दे जल्दी दे। चार। हाँ चार। वो कहाँ गई? नहीं नहीं शायद ये पहला राउंड है। चार और दो छह। अरे दो है तो छह। तो हिंदुस्तान की आबादी की तरह बढ़ता ही जा रहा है। बढ़िया है, ले समेट। हाँ समेटा समेटा। ये तो बैंक का ब्याज हो गया, बढ़ता ही जा रहा हूँ, चुकता ही नहीं हो रहा है। तो मुझे दे तो रहा है लेकिन वहाँ रखता हूँ तो गायब हो जाता है। मतलब वापस लौट के रिवर्स मार रहा है। ए टकले, कहीं तुम नाइटी में छुपा तो नहीं रहा? दूसरा खजाना है। किधर है, किधर है? चोर कंपनी। अरे ये कौन है? कीचड़ से मुंह धो के आई है क्या? लगता है इसको दवाई रिएक्शन कर गई। सही बोला ना, एक्सपायरी डेट वाली खाली थी क्या? चमड़ी वाले डॉक्टर के पास जा। चल, हमारी तरह ये भी यहाँ चोरी करने आई है। हाँ तू एकदम सही बोला। तुझे क्या लगता है आंखों में लेंस लगा के गंदा मेकअप करके हमें डराएगी? भूतों के गॉड फादर है हम। हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले 75-25 की। घर वाले आके तुझे सच में मार मार के भूत नहीं बना देंगे। अरे इसको एक डील देते हैं। रहा क्या, अगर शक्ल पसंद आई तो तुझसे शादी कर लूंगा मैं। चल। ये बंगला अपन का है और अपन इसको भाड़े पे दिए लिए, भाड़े से गुजर बसर करती है। अपन इस इलाके की फेमस भूतनी है, किसी से भी जाकर पूछ ले। तुम लोग अपन से रेसिंग में नहीं जीत सकते। अपन पैर में स्केटिंग वाले जूते फिट करवाए लिए। लगता है चली गई। लगता है भूतनी पकड़ी गई। वो अंदर आना चाहते हैं, दरवाजा खोल देते हैं। बस थोड़ी देर रुक जा, भूतनी हमारे पैर का अंगूठा चाट के माफी मांगेगी। क्यों मोहतरमा, तुम्हारे अंगूठे पे चाट मसाला लगा है? एक काम करते हैं, हम भी टेरेस पे जाते हैं और कूद जाते हैं। हम भूत बन जाएंगे, उसे भी मार डालेंगे। चलो भूत भूत खेलते हैं। चल 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 जल्दी, अंधेरे में लाइट क्यों नहीं जलाते? लाइट जलने वाला है। भाग भाग, दरवाजा खुल गया। ये कैसी सिक्योरिटी है? ऐसी सिक्योरिटी तो संसद भवन में भी नहीं है। इधर एंटीवायरस किसने लगाया? किसने? चकला भाई, लगता है भूतनी ने इधर डबल ताला लगाया है। उन छोकरे लोग के पास चाबी होगी, जाकर लेके आते हैं। दबा दबा ना भाई, ठीक से दबाना भी नहीं है। क्या चल रहा है? घंटी बजा रहा था तो बजी की नहीं? बज नहीं रही। 20 साल से अपन ने बिल नहीं भरे लाए तो बजेगी कैसे? तो हमारी घंटी क्यों बजा रही है? अपन बोल रहे लिए कि अपन भूत है तो मानता कहीं को नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो कि दिल ने माना नहीं कि तुम भूत हो। आज कल ये अमावस से नारियल फोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि भूतनी इनकी तशरीफ पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। हमको भी सेम टू सेम लग रहा है। तुम लोग उल्टा समझ रहे हो, वो आत्मा की धुलाई कर रहे हैं। माता जी, तिरुपति बालाजी।
तुम लोग सच कह रहे थे भाई लोग, घर में भूत है। हमको पता है, हम उससे कई बार मिल चुके हैं, उससे हमारा बहन चारा है। मेरे पास एक आइडिया है, भूत का टिकटॉक वीडियो बनाओ, इतने लाइक्स मिलेंगे कि हम मालामाल हो जाएंगे। एक सेकंड, एक सवाल है, फादर कुंवर इसलिए बाहर नहीं जा पा रहे, पर सिस्टर तुम तो जा सकती हो, जाओ ना एक बार ट्राई करके देखो। फादर की जुड़ी होती है बेवकूफ। वो कैसे? माँ कसम, कैसे समझाऊं कैसे, हाँ, जैसे लैला मजनू ही रांझा, वैसे ही नानू और फादर होते हैं। ये कैसी जोड़ी? अच्छा ठीक है, पास में कमरा है, रात गुजार लो, सुबह बात करेंगे। सुबह तक तो वो खाखरा बना देगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, जाओ अंदर जाके खा लेना, जाओ। मैं खाखरा नहीं खाती। जाओ ना सिस्टर। थेबला खिलाओ ना। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अरे कोई नहीं, ये काली है, चल। इन दोनों का तो वो हाल है कि चाकू चलाने की तमीज नहीं, लेकिन बाप से कहते हैं कि अब्बा अब्बा बंदूक दिलाओ ना, हमें भूतनी का शिकार करना है। एजिल, कल के खाने में काला नमक ठूस के डाला था। अच्छा, खाने की आदत नहीं है तो पेट खराब हो गया है। एक मिनट के लिए सांस रोकना। क्यों? रूम फ्रेशनर मारना। अरे छी, ये टकलो मरेला छछुंदर दबाया था क्या? कंट्रोल नहीं हुआ। एक मिनट, माँ माता जी आ रहा है, आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत सारी मूंगी घुस गई है, खुजली हो रही है। उतारो जल्दी, उतारो, उतार टकलो। सारे कपड़े उतार दू? हाँ धीरे धीरे। अरे क्या चल रहा है, ये जैकेट जिन इतना हिल क्यों रहे हैं? उनका कलर तो गेहूं के दाने से मैच होता है रे। ए, क्या देख रहे हैं? जैक एंजिल गोइंग अप द हिल। अच्छा लग रहा है ना? जीत, बहुत अन्याय हो रहा है, हमसे देखा नहीं जा रहा है। हाँ उतारता हूँ, रुक जा, पूरा उतारता हूँ। खा गए, हमारा भाग कब खुलेगा? तुम लोग यहाँ चुपचाप देखो, सेक्स एजुकेशन चल रहा है। तेरी खुजली कम हुई कि नहीं पता ना? अरे कमरे में जहरीली गैस छोड़ी है क्या? नहीं, घर का खाना हवा के रास्ते बाहर आ रहा है। हम पे शक मत करो, इधर लगता है मरा हुआ चूहा है, तो वही निकाल रहे थे कपड़ा निकाल के। हम लोग के बदन से तो केसर की महक आती है। तुम लोग जितनी बद्दू मारो उतनी तो भूतनी भी नहीं मारती है। तुम्हारा बॉक्सर ही देखकर समझ गए थे एक नंबर के फ्रॉड हो, डुप्लीकेट केसर। चलो निकलो हमारे घर से। नहीं जा सकते। क्यों? हम दोनों अब तक कवारे हैं। अरे फंस गए, चल बाहर। कुदरती लिबास में नहीं। सबका कन्फेशन लेने वाले फादर आज खुद का कन्फेशन देने वाले हैं। फादर की चादर फटने वाली है। अपनी सुख भरी दास्तान सुनाऊं? रुको, मुझे गेस करने दो। तुम किसी घर में चोरी करने घुसे, उस घर के लोग शोर मचाने लगे और तुम एक दीवार कूदकर कमरे में छुप गए। वो लोग तुम्हें बाहर ढूंढते रहे और तुम कमरे में गपा छिपी करते रहे। अरे वो तो बाहर ही है। अरे थाईलैंड की पुलिस तो लैंड पे ले जाके थाई पे गोली मारती है, क्या करे? सोचो सोचो। सुन, तू ये घाघरा पहन ले। लोग पहनते, मैं क्यों पहनू? अरे तभी तो दिया है, फादर नन का रिश्ता पवित्र होता है, पहन ले। लगा लेता हूँ थोड़ा इत्र। और जब तुम सुबह कमरे से बाहर निकले, रात को जो लोग तुम्हारा सिर काटने के लिए तुम्हें ढूंढ रहे थे, वही लोग तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे आशीर्वाद मांगने लगे। ये भीख नहीं मांग रहे, ये दुनिया के सताए हुए लोग हैं, हेल्प मांग रहे हैं। अब इन पे पानी छिड़क के पैसा कमाने का टाइम आ गया है। फादर इतना छिड़केंगे कि बाढ़ आ जाए। अब फादर वाली एक्टिंग शुरू कर डालो। देख, मैं भी इनकी आत्मा जगाता हूँ। कौन सी मटकी की बात कर रहे हो, और इतना झटका काय को लगा? मोबाइल वाइब्रेट हो गया था। अच्छा, हाल तू जलाल तू, गॉड ब्लेस यू ऑल। फादर, मुझे आपकी छतरी और छाया मिली। तो यही था ना तेरा काला कांड? देखा स्टोरी में ट्विस्ट कितना था। कपड़े बदल लिए, फितरत नहीं। चाय का बड़ा कप मेरा, बिस्कुट भी मंगवा ले। अरे राजस्थान के रेगिस्तान में पैदा हुए काले ऊंट, चला जा। ये कालिया गाउन पहनकर क्रिश्चियन को और टोपी पहनकर मुसलमानों को धोखा दे रहा है। ए चल उठ बारा। चाय के साथ खारी पड़ गई भारी। उस भूतनी से बचने के लिए हमें, तुझे तो चट्टी में देखा, ये क्रिश्चियन बुरका उतार। यार प्रेम, मेरी एसएससी पास करते ही शादी हो गई थी और एचएससी फेल होते ही दो बच्चे। लानत है, तुम लोग अभी तक कुंवारे हो। ये कॉलेज जाता था कि ओयो होटल में। पहले मन से प्यार होता था, पर आजकल की लड़कियां सिर्फ धन से प्यार करती हैं। उन्हें अपना फन दिखाओ, नागिन की तरह लिपटेगी और फिर
गरम मसाले वाला पेट भर के खाना खिलाओ, फिर आग लगेगी और शोला भड़केगा। मेरी कुंडली में क्या है, तू शांत रह, तेरी आग बुझ चुकी है। चाचू हमको तिगड़म बास खाना बनाना नहीं आता। मैं जानता था तुम ये कहोगे, इसीलिए मैंने खाना पकाने के लिए सलमा डिसूजा को बुलाया है। सलमा डिसूजा, सलमा शेख सुना है, सलमा अंसारी सुना है, लेकिन डिसूजा? ये है सलमा डिसूजा, सेक्युलरिज्म की जीती जागती मिसाल है ये। लखनऊ से है और खाना बहुत अच्छा बनाती है। सलमा का सबको सलाम। हाय हाय, हेलो हेलो, तुम्हारा नाम क्या है चचा? जैक। तुमने मेरा दिल हाईजैक कर लिया। चोट। सुनिए सलमा आपा, हम सब की मौजूदगी में आप जैक पर छापा कैसे मार रही हैं? ये तो बीच में सर डालता ही है। जाइए कढ़ाई में तेल डालिए। ओके, किसी दिन तेरे टकले पर सफर लोशन लगाएंगे। मेरे सैया के दोस्तों, आपको मैं रंग बिरंगी डिशेस खिलाऊंगी। आइटम नंबर 1, लखनऊ के लंगड़े लूले टुंडे कबाब। सलमा जान, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ नहीं खिलाओगी क्या? तुम्हारे लिए ये आइटम नहीं है, तुम्हें जबान फ्राई खिलाऊंगी। आइटम नंबर 2, कौवे के पंखों का काला कोरमा। आइटम नंबर 3, चाइनीज भेल के साथ में कुलचा। चाइनीज कुलचा। आइटम नंबर 4, लहसुन चटनी के साथ गुलगुले। तुम्हारे तो मन में गुलगुले फूट रहे हैं ना जैक? अबे जरा बता तो, ये सब खाने से भूतनी का क्या लेना देना? अरे लेना देना है, भूतनी तुम लोगों से क्या चाहती है? वो चाहती है कि हम उससे प्यार करें। और सारे वो काम करना चाहती है जो शादी के बाद सुहाग सेज पे होते हैं। एक सुखी पारिवारिक जीवन जीने के लिए एक जोड़ी को क्या लगता है? एक रूम लगता है और क्या? चुप बुद्धू। अरे एक मर्द को क्या लगता है? स्टेमिना। हाँ, घोड़े जैसी ताकत। पलंग चाहिए। और प्यार करने का जोश। जोश में कहीं, होश मत खो देना चचा। स्टेमिना, हॉर्स पावर, मसल्स सबको खत्म करने के लिए मैं इसमें अरंडी का तेल मिला दूंगी। भूतनी जैसे ही सुहाग की सेज पर आएगी, उसे पता चलेगा कि उसका दूल्हा घूंघट उठाने के लायक ही नहीं है। वेस्ट पीस ना रहेगा बास, और ना भूतनी बजाएगी बांसुरी। लोग काम करने को बड़ा काम मानते हैं, पर खाली बैठना कितना बड़ा काम है कोई इनसे पूछे। ओफो, बैठे बैठे मेरा दिमाग सड़ गया, मेरे मोबाइल पर पबजी भी नहीं चल रहा है। तुम सब छिपकली के सड़े हुए अंडे बने क्यों बैठे हो? इतनी ठंडी महफिल है कि मैयत लग रही है। महफिल में माचिस लगाना है। कैसे माचिस लगाऊं? हाँ, हम लोग एक गेम खेलते हैं, तुम सबके बुझे हुए बल्ब जल उठेंगे। ये एक टर्किश गेम है, इसका नाम है बाटली गेम। रूल्स बहुत सिंपल हैं। बॉटल को बीच में रखकर ऐसे घुमाते हैं जैसे दुनिया घूमती है, और बॉटल जिसके सामने रुकेगी उसे बॉटल घुमाने वाले की एक डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। मुंह में पानी क्यों आ रहा है? जरूरी नहीं है सबके सामने की जाए, शर्म आए तो रूम में भी जा सकते हो। एक ही कंडीशन है, बॉटल घुमाने वाला जो कहेगा करना पड़ेगा, वरना $2,00,000 जुर्माना। वाओ, इस गेम में तो मैं इसकी गेम बजा डालूंगी। रात भर इस पर प्यार बरसाएंगे, भले ही सुबह हमारी बीपी लो हो जाए। देखें किसका आंचल होता है मेला। तो फादर का नंबर पहला। मुझे पता है, एक तुम्हारा ही तो जाल है फैला। संभल के कहीं बाटली फूट न जाए। सुन बॉटल, तुझे गोवा के सारे चर्च की कसम, सलमा की तरफ ही रुकना। मैं तो कहिए क्या पेश करूं जिले लाही। पब्लिक प्लेस में नहीं तो फिर चार दीवारी के अंदर बताऊंगा, चलेगा ना? हमारा गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये बोरिंग गेम तुम लोग खेलो। बाय। इसको बोलते हैं काला थका हुआ घोड़ा, फौज में दौड़ा, मेरी भी बाटली फंसा दो। वेल प्लेड जैक। जैक, हम चार दीवारी के अंदर आ गए, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ना तुम्हारा साथ चाहिए। नॉटी, बूढ़े बंदर हो फिर भी गुलाटियां मारते हो। मैं भी खेल दिखाऊंगी, पर मेरी एक शर्त मानोगे? सब कुछ मंजूर है। मुझे ना मेरे हाथ में कंगन नहीं, हथकड़ियां पसंद है। मुझे तुम्हारी किसी चीज से कोई एतराज नहीं। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मैं बाटली घुमाऊं?
ए गंगा मैया, तुमको सरस्वती मैया की कसम, हमारी तरफ ही रुके। आज तो तू गया बच्ची। आज ये कोई जलील हरकत जरूर करेगी। इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अब आएगा मजा। अम्मी तुमको कमरे में ले जाना चाहते हैं। देर मत करो, चलो ना प्लीज। ठीक है, चला जा। बचपन से मेरा नसीब सूखे फापड़े की तरह है, फिर भी चांस मारता हूँ। ये लो बाटली, आटली बाटली फुटली करो। एनी मासी ने होली दिवाली ईद सब एक साथ ऐसे घुमाना कि मेरी तरफ रुके। काव्या शुरू करें। काट डालूंगी। हमने दारू पिलाई और तुम प्यार का जाम नहीं पिला सकती? मेरे प्यार का जाम मैं किसी और को पिलाऊंगी। अगर पीना है तो बोल, जहर पिएगा। क्यों क्यों क्यों? इतनी बड़ी दाढ़ी मूंछ वाला आदमी, तुझे शर्म ही आ रही है क्या? एक कमसे लड़की को छेड़ रहा है। दाढ़ी का एक्सपीरियंस नहीं है तुमको? जब चुभती है तो अच्छा लगता है। अरे कसम से कह रहे हैं, अपने अम्मा अब्बा को भूल जाओगी, इतना जोर से प्यार करेंगे। अरे 24/7 छोड़ो, हम तुमको 34/7 चाहेंगे। रॉकेट पे बिठा के तुमको दुनिया दिखाएंगे। एक बार हाँ कह दो ना, एक पप्पी दो ना। बिल्कुल नहीं। अरे हमारा गाल बहुत खजवा रहा है, चलो गाल से गाल मिलाओ। सॉरी, तुमको एक बार छू लें। अबे ओए, हाथ लगाया ना तो काट के गाड़ दूंगी। हम तुमसे प्यार करते हैं, अगर यकीन नहीं है तो शादी करके देख लो। ए, रुक 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 रुक, ये कांच का लोई चुंबक नहीं आता है क्या? कोई लेकर आओ भाई। ले भाई बाटली घुमा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ये गरीब का ख्याल रख के घुमा भाई। दो राउंड में तो रुक जाना चाहिए, अब तक रुकी क्यों नहीं? इस तरफ रुक। इनी मासी ने इस बार जोर से घुमाओ। अरे तो ये भूतनी भी ऊपर से गेम खेल रही है। मोटा भाई, एक और प्लेयर बिना एंट्री के पैसे दिए खेल रहा है। आई डोंट लाइक चीटर प्लेयर, तुम लोग खेलो। जामा ये ले, तू माले। नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना। ऐसा सोचो कि बाटली मेरी तरफ आई, मैं खुद को खुश करने जा रहा हूँ। तुम लोग खेलो। हाँ? तुम लोग प्लीज प्लेयर है, खेलते रहो। क्या देख लिया उसने? अब हम दोनों ही तो हैं। बताओ क्या करना होगा मुझे? कुछ नहीं, तुमसे अकेले में गुफ्तगू करनी थी, तो चलें। कहाँ जाना है? यहाँ सिर्फ हम दोनों ही तो हैं। देखो बहुत दर्द हो रहा है। अरे भाई आराम से, क्या देख लिया क्या? अरे चुप कर। इनी मासी ने, ये रंगीला कौन है? अरे इतना ताकतवर मैंने आज तक नहीं देखा। फ्रंट डोर से घुसने की बजाय बैक डोर से घुसने में ने ज्यादा मजा आता है। सुना तो होगा, ऐसी हरकत वैसी बरकत। अरे किसको एंट्री मारनी थी, किसने मार दी? वो भी इतनी बड़ी बंदूक के साथ। अब मेरे हाथ खोल दो, तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अबे मुझे क्यों घूर रहा है? ओ अच्छा, गाड़ी स्टार्ट है और इंजन अपुन ने गरम भी कर दिया है। अगर तू अपुन को बंदूक दिखा के एक राउंड मांगेगा तो अपुन मना नहीं करेगा। बेबी नहीं, एक कतरा पानी निकालने से समंदर पे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे गोली मार देगा। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी जुदाई सह नहीं पाऊंगा। ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ करेगा, तुम्हारी कसम किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी हालात को समझो ना बेबी, आई लव यू। भाई ये राजी हो गई है, आप फीता काट सकते हो, बस मैं ये देख नहीं पाऊंगा। ए तेरी शक्ल मेरे जीजा से मिलती है, पास बताना। नारियल तेल का है, बोलने तो गोली मार दूंगा। बाथरूम जैक। बेबी सच बताओ जैक, तुम अपनी बात पर कायम रहोगे ना? हाँ बेबी। जो कुछ भी इस कमरे में होगा किसी को नहीं बताओगे ना? बिल्कुल भी नहीं बेबी, ये राज हम दोनों के सीने में दफन हो जाएगा। अच्छा? लेकिन उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? यही कि उसको काजू कतली में इंटरेस्ट नहीं, उसे गुड़ की सेब पसंद है। नारियल का तेल लेने के लिए वो बाथरूम गया है, एक बार आ गया ना तो शोर शुरू कर देगा। एक और जरूरी बात बताओ, वो यहाँ पर कैमरा लगाकर सब शूट करने वाला है ताकि नेट पर अपलोड करे और सबके लाइक्स और कमेंट्स ले सके। बेबी। अच्छा तो तुम वो हो। जाके तो जाना इसके साथ। आदमी लोग अपना अपना ख्याल रखना।
ए टकले, लोहार बुलवा के सब लोग लोहे की चड्डी बनवा लेते हैं। अबे लोहार सुतार प्लम्बर किस किस को यहाँ पर बुलाएगा, पहले ही भूतनी यहाँ से निकलने नहीं दे रही। अबे इतने बड़े हो कि तुम लोग भूत से डरते हो? भूत से नहीं, भूतनी से। अपुन ने भूत के साथ डांडिया खेला है। अगर तू साथ दे तो मैं चुड़ैल से भी हाथापाई कर लूं। वैसे अपुन के पास भूत भगाने का भी सर्टिफिकेट है। अगर अपुन भूत का सामान जला देंगे ना तो भूत की जल जाएगी और जैसे ही धुआं उठेगा भूत भूत काल हो जाएगा। यहाँ वहाँ हाथ लगाने की आदत तेरी है तो तू ही जाके भूतनी का सामान जमा कर और उसे जला। हम तहजीब से तुम्हारी हरकत का एहतराम करेंगे। भूतनी कहाँ रहती है? चल अपन को कमरा दिखा, अभी तो उसके जख्म ताजे होंगे। चल ना तू कमरा दिखा। नहीं मासी ने, अरे पंडित बुलवा के अपनी बंदिश करा लो। भूतनी तो दिखने में बहुत कड़क है बा। सोने का बना के रखा है, बेचूंगा तो बहुत माल मिलेगा। तू भी चलेगा? आजा। कैंपफायर के लिए आग जला रहा है क्या? आप देखना कैसे सुलगेगी भूतनी की। हाँ, और जो पैसा तांत्रिक को देने वाले थे वो मेरे को दे दो। कैसे मर गया पाला? मगरमच्छ छोड़ देगी पानी में, चार चार मगरमच्छ एक के पीछे। तुम में से कोई एक अपुन के साथ शादी रचाएगा ये सोच के। तुमने धनियाराम दर्जी से ड्रेस भी सिलवा डाला, शादी के लिए तैयार रहो, पंडित लेके आती है। बेचारी शादी के सपने देख रही है। मेरे से नहीं होगा। ए चोर भाई मान जाओ ना, जो तुम्हारे दिमाग में वो भूतनी के दिल में, शादी कर लो, मेरा दूध वाला भैया पंडित भी है। नहीं रे मैं गुड़ू। गुड़ भाई शादी कर लीजिए ना, हम तुमको गुड़ का लड्डू खिलाएंगे। भूतनी से पूछो अगर वो जेंडर चेंज करेगी तो मैं दूल्हा बन जाऊंगा। ए भाई मान जा तुझे मेरी कसम। तू जल्दी से इज्जत ढक नहीं तो फिर से ले जाऊंगा। अरे तुम्हें मेल क्यों पसंद है? अपुन पूछा तुम लोगों को फीमेल क्या को पसंद है? इनी मासी ने। ए मोटा भाई इसको बम्बू में खम्बू चाहिए, वो हम लोगों से होगा नहीं, तू अपना कर ले भाई। कहां फंस गया मैं? ए रुक बे। ये बेचारा नन के गेटअप के बोझ का मारा, इसे चाहिए आजादी और नीले गगन का सहारा। अरे दा क्या करूं, ये भूतनी तो मेरी टिकट काट के रहेगी, ये होल मेरी साइज का है। ये भूतिया बंगलो से बाहर जाके एक छोटा सा बाकड़ा डालूंगा और सबको भूत की कहानी सुना के पैसे कमाऊंगा। ये खुल जा भाई। खुल गया खुल गया। पंखा भी लेके जाऊं? नहीं नहीं ये बाद में। मासी ने छाती निकल गई, पेट भी निकल गया। अटका, कोई धक्का मारो। ए धक्का मारो, अटक गया। अरे कोई धक्का मारो। अरे काश मैं जिम गया होता, थोड़ी ताकत होती। ए कौन बैक डोर पे खटखटा रहा है? अपुने ये डाकू है, डाका डालेगा। अबे नहीं डालूंगा मामू। दरवाजे पे लिखा होता है ना पुश करो, तुम पुल क्यों कर रहे हो? लगता है तू फंस गया। रुक राय का तेल लेके आता हूं। राय का तेल? भजिया तलेगा क्या? अरे भाई मैं ऐसे सी पास नहीं हूँ जो भजिया तलूंगा। मुझे धक्का मार भाई, एक धक्के का सवाल है, जोर से मार मैं बाहर निकल जाऊँ। क्या है बे? ये अपुन का है। अबे चल फुटना। ये प्रॉपर्टी अपुन की है। हाँ ठीक है, लेकिन इस पे केस अपुन का चल रहा था, तू जीत गई तो प्रॉपर्टी तेरी। ठीक है आ भिड़ते।
मेरा चड्डा 4 साल पुराना है, ढीला उतर उतर जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही आता हूँ। आ गया। अरे रे, ले अब मैं आ गया भाई, जो करना है कर ले। हम लड़ रहे थे किसके लिए? तेरे ऊपर सोरठ लगा के गेम खेल रहे थे। मैं जीतता तो तू मेरा हो जाता। अभी हाफ टाइम हुआ है। ए बहन जी, इस घर में और भी बहुत मर्द है, मतलब ये मर्द नहीं है। तुम शमशान जाके अच्छा बूट ढूंढ लो, उससे शादी कर लो, लेकिन मेरे को जाने दो भाई। कोई नहीं जाएगा इधर से। जो भी अपुन के साथ शादी रचाएगा उसको अपुन कमा के खिलाएगी, अपुन के झुलसे हुए कंधे पर बिठा के उसको वर्ल्ड टूर कराएगी, उसको राजा की तरह रखेगी अपुन। इतनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हल्के में लेने का, आखिरकार है तो औरत ही। जल्दी से कोई भी दूल्हा बन जाओ, तुम लोग की भूतनी से फटी नहीं है क्या? ढीला भाई, तेरी भी टिकट कट सकती है। किसकी? अपुन की। अबे भूतनी को कुवारा दूल्हा चाहिए, और अपुन की शादी बहुत बार हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता, बलि तो देनी ही पड़ेगी। लोग बैंकॉक क्यों आते हैं? मसाज के लिए। नीचे कर। तो आज हम सामूहिक मसाज पार्टी का बंदोबस्त करेंगे, जिसमें लड़कियों को फ्री का खाना पीना मिलेगा और लड़कों को घुसने देंगे, वही बड़ी बात होगी। अब एक ना एक कवारा इस जाल में जरूर फंसेगा, उसे भूतनी का शिकार बना के हम यहाँ से निकल लेंगे। हाँ। अरे वो सब ठीक है, लेकिन पार्टी ऑर्गेनाइज कौन करेगा? वो सब मुझ पर छोड़ दो। हा? हमें सिर्फ लड़कियों को बुलाना है, बाकी इस पपलू की तरह लड़के उनके पीछे पीछे आ ही जाएंगे। ए अपुन ऐसा नहीं है, जेंटलमैन है। मैन हटा दे, तू सिर्फ जेंटल है। भाभी जल्दी से पार्टी कराओ, प्यास लगी है। सुनील तू मेरा पुराना यार है, मेरे साथ ही रहना, अगर इसने मुझे फिर उठा लिया तो इसका क्या होगा? सदकी जावा जाए, हाथ सुंगो कड़वे तेल की बात आएगी। हेलो व्यूवर्स, पार्टी में आपका स्वागत है। अंदर आ गए तो बाहर जाना मना है, तो दिल लगाकर पार्टी करो। आने वाले बाकी मेहमानों का हाल चील की तरह था, चिल्लाना ज्यादा चहचहाना कम। टोपी वाले पे हमको बहुत भरोसा है। हटे, बैंकॉक में एक भी कुवारा नहीं है। सबर रखो शीला, शीला तुम इसके जिस्म में क्यों घुसी? तुम लोगों ने पार्टी करके अपन की आग को भड़का दिया है, अभी उस आग में सबको झुलसना पड़ेगा। जब उनके साथ शादी रचाओ वरना अपुन शीला को मार देगी। रुको 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 रुको, ये पार्टी हमने तुम्हारे लिए तो की थी, एक अच्छा सा कुवारा लड़का मिल जाता तो तुम्हारी उससे शादी करवा देते। अभी जब उनसे शादी करो, कौन है मेरा दूल्हा, कौन है जल्दी बताओ वरना अपुन सारे कपड़े फाड़ देंगे। नहीं नहीं ऐसा मत करना प्लीज, पहले कम पहनती है, बचेगा क्या? ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगा, बस इसकी जान बख्श दो। कल रात को 9 बजे शुभ मुहूर्त है, अपुन के कमरे में आ जाना, शादी वहीं होगी। हाँ आ जाऊंगा। शीला, ए, शीला, 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 तुम ठीक हो? तू शादी के लिए क्यों तैयार हुआ? तो और मैं क्या करता, मरने देता? सब मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। बेचारी कह रही थी कि एक दूसरे को समझना है तो मनोरी चलते, मडाइलैंड चलते, पर मैं नहीं माना, मैंने कहा बैंकॉक चलेंगे। सारा बंदोबस्त मैंने ही किया, तुझे तू जैसे चिंदी को फ्लाइट में बैठाया, इन सब भुकटियों का इतने दिन से खर्चा उठा रहा हूं। मैं नहीं होता ना
तो किसी की औकात नहीं थी इस बंगले में आने की। हर बात हर चीज का जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसलिए अगर मेरे जाने से तुम सबको जिंदगी मिलती है तो यही सही। अरे चुप, इका बकैती कर रहा है, तिगड़म लगा के तुझे जरूर बचाएंगे। अरे जिगरी दोस्त है, तू हिम्मत रख, टच भी नहीं कर पाएगी वो तुझे। दादी माँ ने कहानी में बताया है, ये भूतनी लोग एक नंबर की झूठी होती है, वो तेरे से शादी करने के बाद भी मर्द लोगों को छोड़ेंगे नहीं भाई। अच्छा है बा, अपुन तो मर्द ही नहीं है। हाँ, अब मरेंगे तो सब साथ में। भूतनी के सबर का धागा टूट चुका था, उसने नोटिस दे दिया कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो सबकी जिंदगी के धागे तोड़ डालेगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जिंदगी में आज तक बहुत लड़कियां आई पर किसी को भी वो रुतबा नहीं दिया जो तुम्हें दिया। पता नहीं तुम में ऐसी कौन सी कशिश है जिसने मुझे पूरा बदल कर रख दिया है। खुद का वजूद भूल चुका हूं, सिर्फ तुम याद हो। अगर मैं खुद को मिटा के तुम्हारे दिल में जगह बना पाऊं तो समझूंगा इस जिंदगी में कामयाब हो गया। शीला, आई लव यू। जीत, पहले दिन ही तुमने मेरा दिल जीत लिया था। लोगों ने सिर्फ तुम्हारा छिछोरापन देखा पर तुम्हारा दिल किसी ने नहीं देखा। मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। लोग दूसरों में सिर्फ खामियां ढूंढने में लगे रहते हैं, उन्हें अच्छाई नहीं दिखती। तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। आई लव यू टू जीत। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। बैंकॉक के गुड़ेश्वर स्वामी, इनके नाम के मुताबिक इन्हें गुड़ की दाल, गुड़ की चटनी, गुड़ का हलवा, गुड़ की तरकारी और गुड़ के भुट्टे बहुत पसंद है। वेरी गुड। यहाँ पे एक स्वामी है जो भूत का उतारा बहुत जबरदस्त करता है। आओ, उसका चेहरा दिख गया। एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम कैसे घर से बाहर निकले? बताता है, अपन शादीशुदा है लेकिन उल्टा पुल्टा की वजह से अपुन की बीवी भाग गई। लेकिन जब शादी हो ही गई थी तो टेस्ट क्यों बदल गया तुम्हारा? हाँ? अरे उल्टे तवे की रोटी का टेस्ट ही अलग होता है, तुम लोग क्या समझो। नमस्ते, कबूल करो स्वामी, भूतनी ने परेशान किया है, आप बदला लो ना, चल के मार डालो उसे। इसका काम करूं कि नहीं करूं? कर दे, अपना ही बंदा है। ओके माय लॉर्ड, तू चल। अबे चलना थकेले। हमारे गुड़ेश्वर स्वामी की झाड़ू सिर्फ साफ सफाई के लिए नहीं है, कहा जाता है कि जिनके सर पे इनकी ये झाड़ू पड़ी उसकी किस्मत निकल पड़ी।
अरे बाप रे, ये तो बहुत ही हॉट है। इसके चक्कर में पूरा कमरा हॉट हो गया। इन लोग को आउट करना पड़ेगा। स्वामी वापस जाओ। अगर 15 मिनट के अंदर तुम लोगों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कालाकांडी नहीं की तो ये तुम्हारी हंडी फोड़ देगी। इनको भगा के मैं अपना काम पूरा करूंगा। जाओ, जाओ। चलो देर मत करो। स्वामी ये क्या कर रहा है? तेरे पास कोई साधन नहीं है? स्वामी मेरे गांव में कोई लड़कियां नहीं है। मेरे पर कृपा की नजर डालो। अबे मेरी तरफ क्यों घूर रहा है तू? आप इतने बड़े त्यागी हैं, अपनी असिस्टेंट का त्याग मुझ पे कर दो। ये क्या मेरी जमीन पे अपना मकान खड़ा करना चाहता है? लगता है इसको भी बदलाव चाहिए। अबे बैंकों का स्वामी हूँ। तब तो आपका मन और पेट दोनों भरा होगा। अबे स्वामी से पाप करा रहा है? किसी की इच्छा पूरी करना पाप नहीं पुण्य। सोचे धन है तेरे पास के खाली मन बना के बैठा है बोले तू? स्वामी जी मुझे गुजराती डिश बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। साइकिल में बैठ के पार्सल देने मैं जाऊंगा, बस इससे शादी करवा दो। ये दिखने में छोटी माचिस की डिब्बी जैसी है लेकिन इसमें बहुत आग है। आग बुझा दूंगा। आशीर्वाद आशीर्वाद स्वामी। आरती की थाली नीचे रखो। तुम्हारा नाम जो भी हो आज से तुम्हारा नाम पूजा अर्चना सब कुछ। ये तो वही बात हुई, आग लग गई और सीढ़ी बम्बा वाला फोन नहीं उठा रहा। 15 मिनट बचे, जल्दी करो। उस भूतनी के साथ तो तुम स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आइसक्रीम से रोमांस कर रहे थे। बोलाई थी मैंने। और मेरे साथ डायरेक्ट धावा बोल रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा। आज कुछ भी हो जाए हमारा मिलन होके रहेगा। जैक सिर्फ बत्तियां जलाकर शादी करोगे? मुझे कंगन नहीं पहनाओगे? अरे पगली मैं तेरे लिए घाघरा सिलवाऊंगा, ऐसा लाइट वाला घाघरा। जैक पहले तुम मेरे लिए घाघरा लेकर आओ, उसके बाद बात करूंगी। लेकिन घाघरे के लिए अपनी कमर का नाप तो लेने दे। डोंट टच माई कमर, घाघरे के लिए माप नहीं लगती। चुप कर, घाघरा गया तेल लेने आगरा। अभी मिलन का मुहूर्त निकला जा रहा, जल्दी चल। ए स्वामी भाग इधर से। अरे तो आना मुझे खाना। करे आ जा। बाली कहाँ है? बाली सोना बहुत महंगा है ना, इसलिए बाली डलवाई नहीं। तुम भी उतार दो, अगली बार डलवा लेना। तेरे अंदर भूत है, निकालना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगी किसी को। बाहर नहीं जा सकता वरना वॉचमैन की खोली में चला जाता। ये भी बंद है। अरे कोई खोलो, ये भी बंद है। लगता है इधर ही टेंट डालना पड़ेगा। अरे वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था क्योंकि मैं वक्त बर्बाद कर रहा था, पर तुम मेरे साथ वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? सिर्फ 15 मिनट बचे। अगर वो एक्टिंग थी तो असलियत में क्या होगा? अरे जल्दी जल्दी दरवाजा खोलो, भूतनी मुझे मार डालेगी, बाथरूम भी चलेगा। ये नहीं खोलेंगे, चलो चटाई बिछाते। अरे तेरे चिल्लाने की वजह से भूत बाहर नहीं आ रहा है। Shut up! पागल है? ये भूत भाई बारा। आई 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 चुप भूतने की। आई 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 भैया आई बोल रही है, लव यू क्यों नहीं बोल रही है? ये भूत नहीं, ये बता तेरी उम्र क्या है? मैं स्वीट 25 की है रे। ये सुना क्या? जिंदा रहने पे इन लोग उम्र नहीं बताते, मरने के बाद बार-बार बता रही है। ये जली क्या? इतना बड़ा घर कोई काम का नहीं है, बाहर जाते तो बगीचे में या थिएटर में एडजस्ट कर लेते। डाइनिंग टेबल पर जाते लेकिन भूतनी आ गई तो नहीं नहीं, किचन चलेगा, ढोकला खाते खिलाते, उधर ही लुका छिपी खेलते हैं। चलो चलो, और किचन में तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आ गया वो दिन, आज शादी होगी। तरी आइस नो अफीणी, तरा ईयर्स नो बंधानी, तरह होठनी पूनम नो पागल एक लो एक दो एक। मैंने बहुत लोरी सुनी है, अब सीधे काम पर लग जा। बिल्कुल सही बोला, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। जय बैंकॉक पटाया। खैर ये सब छोड़ो। हा? मेरे पापा की शर्त पूरी करने के लिए क्या सोचा है? पापा की शर्त? बेटा इसीलिए मैंने तेरा नाम जीत रखा है, तू आज तक हर फील्ड में जीतता आया है, बस तू इस बार शीला को भी जीत ले। तू उसे इतना प्यार कर कि वो बस तेरी दीवानी हो जाए। तू शिलाजीत बन जा। ये अपने ससुर की ये शर्त पूरी कर ले।
बेटा मेरी भी नाक बचा लेना। ये कैसा बाप है? मेरी माँ, मुझे लगता है तुम मुझे बचाना ही नहीं चाहती हो। मैं जा रहा हूँ उस भूतनी के पास। क्या? ये भूतनी मेरे को भूत ढूंढने दे, क्या बीच बीच में उंगली कर रही है? स्वामी, स्वामी, आपकी वजह से आज मैं धन्य हो गया, सब अच्छे से हो गया। पुनीत कुमारी है, विलन हो गया। टकले, तेरा भी विवाह हो गया। रुचि, सब कुछ स्मूथली हो गया। मेरा तो कुछ करो, कृपा बनी रहे। कृपा नहीं, कुछ और चाहिए। इसको विधवा बनाएगी। ये तो चुप। स्वामी, वजन हल्का हो गया। आशीर्वाद। जाना। अच्छा, अगर आज अपुन की शादी नहीं हुई तो अपुन हमेशा कुंवारिच रहेगी। अरे ये शीला और जीत कहाँ मर गए? अरे जल्दी आओ यार। तूने अपुन के साथ धोखा किया है, तू कभी खुश नहीं रहेगा। भाई लोग, उतनी अपनी तमन्ना पूरी करके रहती है, ये कभी भी किसी के पास भी आ सकती है। संभल के।